कौसाम्बी राज्य में एक बहुत दयालु और परोपकारी राजा था रिपुदमन। उसके राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। उसकी प्रजा अत्यंत सुखी और संपन्न थी। महाराज की जय हो, हमारा राजा युग युग जिए। राजा रिपुदमन की सुख समृद्धि को देखकर आसपास के राजा बहुत ईर्ष्या करते थे। एक बार समीप के एक राजा चंद्रकांत ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों, पूरी शक्ति से रिपुदमन की सेना पर टूट पड़ो। राजा रिपुदमन ने पूरी शक्ति और साहस के साथ राजा चंद्रकांत से युद्ध किया। चंद्रकांत, मैं तुम्हें कभी विजय नहीं होने दूंगा। आखिर रिपुदमन ने राजा चंद्रकांत को युद्ध के मैदान से भागने के लिए विवश कर दिया। ओह, अब इससे मुकाबला करना कठिन है, मुझे भाग निकलना चाहिए। भागते हुए राजा चंद्रकांत का पीछा करते हुए राजा रिपुदमन बहुत दूर तक निकल आया। आज मैं इसके प्राणों का अंत कर दूंगा। राजा चंद्रकांत तो भाग निकला, लेकिन उसके कुछ सैनिकों ने रिपुदमन को घेर लिया। घेर लो, मारो मारो, बच कर ना जाने पाए। राजा रिपुदमन ने उन सैनिकों को परास्त किया, लेकिन उस युद्ध में वह बुरी तरह घायल हुआ। भाग गए सारे, आह अब मुझे लौटना चाहिए। घायल राजा रिपुदमन को लेकर सैनिक महल में पहुंचे। प्राणनाथ, यह क्या हो गया आपको? रानी, चंद्रकांत के सैनिकों ने धोखे से हम पर हमला किया था, अब हम शायद जीवित ना रहे। नहीं प्राणनाथ, ऐसी बात ना कहें, आप अवश्य स्वस्थ होंगे। रानी, घायल होकर मरने का हमें कोई दुख नहीं, लेकिन दुख केवल इस बात का है कि हम निसंतान मर रहे हैं। प्राणनाथ, ऐसा ना कहिए। सुना है नगर के बाहर एक बड़े महर्षि आए हैं, उनके पास दिव्य औषधियाँ हैं, वह अवश्य ही आपको ठीक कर देंगे। तुरंत सैनिकों को भेजकर महर्षि को बुलाया गया। महर्षि की चिकित्सा से राजा शीघ्र पूरी तरह स्वस्थ हो गए। एक दिन राजा रिपुदमन और रानी स्वर्णलता महर्षि के पास पहुँचे। महर्षि प्रणाम, आयुष्मान भवा। लेकिन अभी राजा या रानी कुछ बोल पाते कि अपनी दिव्य दृष्टि से जानकर महर्षि ने कहा, राजन, मैं तुम्हें धन दौलत विश्व की संपदा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें संतान नहीं दे सकता। महर्षि, हमारा निसंतान रहना निरर्थक है, इससे अच्छा है कि हम दोनों जीवन का अंत कर दें। ठहरो राजन, अपने इस पाप का भागी मुझे न बनाओ, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है। राजन, पूर्व जन्म में तुम वाराणसी के राजा वीरभद्र थे। एक दिन तुम जंगल में शिकार करने गए थे, लेकिन उस दिन तुम्हारे हाथों एक विधवा के पुत्र की हत्या हो गई थी। आह माँ, तब उस विधवा ने तुम्हें श्राप दिया था। दुष्ट, तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तू 7 जन्मों तक निसंतान रहेगा। उसी श्राप के कारण तुम्हारे कोई संतान नहीं हो सकती। और महर्षि की बातों से निराश होकर दोनों अपने महल में लौट गए। उस रात रिपुदमन को नींद नहीं आई। वह देर रात तक बेचैनी से इधर उधर शयन कक्ष में घूम रहा था। तभी राजा रिपुदमन ने कुछ सोचा। महर्षि ने दिव्य दृष्टि से पूर्व जन्म के बारे में इतना कुछ बता दिया, वह अंतर्यामी है, वह मुझे संतान होने का वरदान दे सकते हैं, मुझे एक बार फिर उनके पास जाना चाहिए। और राजा रिपुदमन एक घोड़े पर सवार हो महर्षि के पास चल दिया। आधी रात को आए राजा रिपुदमन को देखकर सन्यासी को बहुत आश्चर्य हुआ। महर्षि, अगर आपने मुझे संतान का वरदान ना दिया तो मैं महल में नहीं जाऊंगा और अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। कहीं राजा सचमुच ही अपने प्राण ना त्याग दे, मुझे कुछ करना ही होगा। राजन, उस श्राप के कारण मैं तुम्हारे घर में किसी मनुष्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन संतान के प्रति इतना मोह देखकर मैं तुम्हें नागराज वासुकी के पुत्र तक्षक को तुम्हारे घर में जन्म लेने का वरदान देता हूँ। लेकिन क्या महर्षि? लेकिन वह पुत्र 20 वर्षों तक ही तुम्हारे घर में रहेगा और यह बात तुम किसी से नहीं कहोगे। तुम्हारे यह कहते ही वह नाग के रूप में परिवर्तित होकर चला जाएगा। सन्यासी से वरदान प्राप्त कर राजा महल को लौट गया। उसने रानी को इस संबंध में कुछ नहीं बताया। उधर नागलोक में सन्यासी के वरदान से हलचल मच गई। नागराज वासुकी का पुत्र तक्षक बेचैन हो उठा। ओह, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। नागवल्ली, ऐसा लगता है कोई शक्ति मुझे खींच रही है। ओह,
तभी जैसे विद्युत चमकी और तक्षक का शरीर धुएं में परिवर्तित हो गया और देखते ही देखते धुआं एक रेखा में परिवर्तित होकर खिड़की से निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी बदहवास सी नागवल्ली नागराज के शयन कक्ष की ओर दौड़ पड़ी और नागराज वासुकी के कक्ष में पहुंचकर बोली, पिताश्री, मेरा सुहाग चला गया। हम सब जानते हैं बेटी, लेकिन हम एक वचन से बंधे होने के कारण विवश हैं। वचन? कैसा वचन? आपने पहले मुझे कभी बताया नहीं। बेटी, यह कई वर्षों पुरानी कहानी है। एक बार गरुणराज मुझे पकड़कर ले गए थे। मैंने गरुणराज से युद्ध करते हुए अपने को उनके पंजों से छुड़ा लिया था, लेकिन नीचे गिरकर मैं कंटीली झाड़ियों में फंस गया। बुरी तरह घायल होने के कारण मैं उन कंटीली झाड़ियों से नहीं निकल पा रहा था। आह! वहां से गुजरते हुए अचानक एक सन्यासी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। भयंकर जीव है, लेकिन मुसीबत में फंसे इस जीव को मुझे सहायता करनी चाहिए, यह मेरा कर्तव्य भी है। और सन्यासी ने मुझे कंटीली झाड़ियों से बाहर निकाला। अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित होकर मैंने सन्यासी को प्रणाम किया। महर्षि, आपने मुझे कंटीली झाड़ियों से निकालकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं नागराज हूँ। जीवन में कभी आप मुझसे जो मांगेंगे मैं उस कार्य को पूरा करूँगा। कल रात सन्यासी ने मुझसे कहा था, नागराज, एक बार तुमने हमसे कुछ मांगने के लिए कहा था, आज हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं। आज्ञा करें महर्षि, मैं अपने प्राण देकर भी आपकी इच्छा पूरी करूँगा। नागराज, तुम्हारे पुत्र तक्षक को कौसाम्बी के राजा रिपुदमन के घर में जन्म लेना होगा। 20 वर्षों बाद तुम अपने पुत्र को वापस बुला सकते हो। और बेटी, मैं महर्षि को इनकार नहीं कर सका और तक्षक को उन्हें दे दिया। लेकिन पिताजी, 20 वर्षों बाद तक्षक नहीं लौटा तो मैं क्या करूँगी? तुम इस बीन को बजाकर तक्षक को पृथ्वीलोक से वापस ला सकती हो। यह हमारे नागवंश की अद्भुत बीन है। इसकी आवाज़ सुनते ही तक्षक अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित होकर खिंचा चला आएगा। उधर कौसाम्बी नगर में महल के ऊपर धुएं की लकीर दिखाई दी और खिड़की के रास्ते रानी स्वर्णलता के शयन कक्ष में प्रवेश कर गई। अचानक बिस्तर पर सोती रानी स्वर्णलता प्रसव पीड़ा से बेचैन हो उठी। आह महाराज, मेरे पेट में यह कैसी पीड़ा हो रही है, राजवैद्य को बुलाइए। आह! लेकिन राजा रिपुदमन मंद मंद मुस्कुराते रहे। सन्यासी के वरदान से रानी स्वर्णलता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उस दिन को कौसाम्बी नगर में दीपावली जैसे खुशियां मनाई गई। पुरोहितों ने उसका नाम रखा रंजीत सिंह। जब रंजीत सिंह 10 वर्ष का हुआ तो राजा रिपुदमन ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया। महल के एक बड़े कक्ष में जन्मदिन का आयोजन किया गया था। राजकुमार रंजीत सिंह सबको अपना हाथों से मिठाई दे रहा था कि तभी दूर से आती बीन की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनते ही राजकुमार सब कुछ भूल बीन की धुन में झूमने लगा। तभी राजा रिपुदमन ने सोचा और सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, सैनिकों को भेजकर इस बीन बजाने वाले को पकड़कर हमारे सामने लाओ। मैं अभी सैनिकों को भेजता हूँ महाराज। सेनापति अंजलि सेन कुछ सैनिकों के साथ आवाज़ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। कुछ देर में सेनापति ने नगर के बाहर आम्रकुंज में पहुंचकर देखा और सेनापति जब उस युवती के सामने पहुंचा तो, कौन हो तुम, यह बीन क्यों बजा रही हो? अभी सेनापति आगे बढ़कर उस युवती को पकड़ता कि तभी वह अदृश्य हो गई। अरे, वह युवती कहाँ गायब हो गई? अवश्य ही वह कोई मायावी युवती थी। उस युवती के अदृश्य हो जाने के बाद राजा को बताने के लिए सेनापति महल की ओर चल दिया। उधर जब नागराज वासुकी ने बीन को निश्चित जगह पर नहीं देखा तो चौंक पड़े, अरे आज बीन यहाँ नहीं है, बीन कहाँ गई, कौन ले गया? तभी नागराज की पत्नी ने वहाँ प्रवेश किया, महारानी, क्या तुमने बीन को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रखा है? नहीं प्राणनाथ, मुझे तो अभी आपसे पता चला कि बीन यहाँ पर नहीं है। नागराज ने कई नागों से पूछा लेकिन किसी से बीन का कुछ पता ना चला तो वह नागवल्ली के कक्ष में पहुँचे। नागवल्ली, नागवल्ली, तुम कहाँ हो,
सेविका नागवल्ली कहाँ है? महाराज, हमने उन्हें प्रातःकाल से नहीं देखा है। हम स्वयं हैरान हैं, वह कहाँ गई है? ओह, इसका मतलब नागवल्ली अवश्य ही उस बीन को लेकर गई है। मुझे उसे लौटाकर ले आना चाहिए और नागराज स्वयं नागवल्ली को लौटा लाने के लिए पृथ्वीलोक की ओर चल दिए। उधर जब नागवल्ली सेनापति से बचने के लिए अदृश्य होकर जंगल की ओर दौड़ी तो नागवल्ली रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? ओह पिताश्री, आप यहाँ पृथ्वीलोक में? हाँ बेटी, तुम्हारे कारण ही मुझे यहाँ आना पड़ा। बेटी, हम तुम्हारी मनोदशा जानते हैं, लेकिन क्या करें, हमें अपना वचन पूरा करना है। मैं क्या करूं पिताश्री, मैं उनके बिना कैसे रहूं? बस एक बार उन्हें अपनी आंखों से देख लेना चाहती हूं। बेटी, उसे देखने का मोह छोड़ दो, उसे देखने से तुम्हें अधिक मोह होगा। आओ मेरे साथ नागलोक लौट चलो। नागवल्ली फिर कुछ न कह सकी और फिर वह नागराज के साथ नागलोक की ओर लौट गई। समय अपनी गति से चलता रहा। 20 वर्ष पूरे होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन राजकुमार रंजीत सिंह शिकार के लिए निकला। जंगल में एक शेर का पीछा करते हुए रंजीत सिंह अपने सैनिकों से अलग हो गया। आज इस शेर का शिकार करके ही रहूँगा, देखता हूँ यह मेरे हाथों से कैसे बचता है। बहुत दूर तक दौड़ने के बाद शेर ने एक लंबी छलांग लगाई और रंजीत सिंह की आंखों से ओझल हो गया। रंजीत सिंह ने शेर को इधर उधर खूब तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ओह, लगता है आज तो अपनी जान बचाकर भाग गया। और फिर कुछ देर विश्राम करके रंजीत सिंह नगर की ओर चल पड़ा। लेकिन अभी कुछ दूर ही चला होगा कि उसे किसी युवती की चीखें सुनाई दी। नहीं, बचाओ! तुरंत रंजीत सिंह ने चीख की दिशा में घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ ही पल के बाद, अरे नहीं नहीं, यह शेर तो उस युवती को मार डालेगा, बचाओ बचाओ! पल भर की देर किए बिना रंजीत सिंह ने शेर की ओर भाला उछाल दिया। अगले पल शेर की भयानक दहाड़ गूंज उठी। रंजीत सिंह तेजी से घोड़ा दौड़ाकर उस युवती के पास पहुंचा। रुक जाओ युवती, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, शेर मर चुका है। आपने मुझे बचा लिया, आपका यह उपकार मैं आजीवन नहीं भूल सकती। यह तो मेरा कर्तव्य था। वास्तव में बहुत देर से मैं शेर का पीछा कर रहा था, लेकिन यह मुझे धोखा देकर कहीं छिप गया था। लेकिन तुम कौन हो और इस घने जंगल में कैसे आई हो? मैं बसंतपुर के राजा विक्रम सिंह की बेटी चित्रलेखा हूँ। शिकार के लिए इस जंगल में आई थी और स्वयं ही शेर का शिकार होने जा रही थी। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें जंगल के बाहर तक छोड़ आता हूँ। फिर दोनों साथ साथ चल पड़े। कुछ देर चलने पर चित्रलेखा ने पूछा, आपने मेरा परिचय तो जान लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं कौसाम्बी के राजा रिपुदमन का पुत्र रंजीत सिंह हूँ। और कुछ देर में वे दोनों जंगल के बाहर पहुँच गए थे। राजकुमारी चित्रलेखा, आप जंगल के बाहर पहुँच चुकी हैं, अब आप अपने नगर में जा सकती हैं। लेकिन चित्रलेखा कुछ और ही सोच रही थी। ओह, कितना खूबसूरत और शक्तिशाली युवक है, और फिर राजकुमार, इससे मेरा विवाह हो जाए तो? ऐसी ही कुछ रंजीत सिंह भी सोच रहा था। सचमुच बहुत सुंदर लड़की है, यदि यह मेरी दुल्हन बन जाए तो? इसे मैं किसी तरह अपने साथ महल में ले चलती हूँ, फिर वहाँ पिता से कहकर इससे विवाह कर लूँगी। जी, सूरज डूब रहा है, आप अंधेरे में कैसे लौट पाएंगे? क्या एक रात आप हमारे महल में नहीं रह सकते? ओह, इसने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं किसी न किसी तरह लौट ही जाऊंगा, लेकिन तुम आग्रह कर रही हो तो एक रात ठहर जाता हूँ। और फिर चित्रलेखा के साथ रंजीत सिंह महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचकर, चित्रलेखा तुम लौट आई, हम तो बहुत परेशान हो रहे थे, सैनिकों ने तुम्हारे जंगल में बिछुड़ जाने की बात कही थी। पिताजी, मैं जंगल में बिछुड़ गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे एक शेर के हाथों मरने से बचा लिया। शाबाश बहादुर नवयुवक, हम तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। पिताजी, यह कौसाम्बी के राजकुमार रंजीत सिंह हैं। कौसाम्बी के राजकुमार बेटे, तुम हमारे मित्र रिपुदमन के बेटे हो, तुमसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है।
रंजीत, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तुम्हें कुछ दिन हमारे साथ रहना पड़ेगा। हम आज ही किसी सैनिक द्वारा तुम्हारे पिता को सूचना भेज देते हैं। जी, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। दूसरे दिन, आओ बेटे, इतनी सुबह कहाँ चले गए थे? हम जलपान के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं सुबह की सैर के लिए निकल गया था। जलपान के बाद, चित्रलेखा, तुम रंजीत को स्नानघर तक पहुँचा दो, हम थोड़ी देर और यहाँ बैठेंगे। चित्रलेखा और रंजीत सिंह को साथ साथ जाता देखकर रानी ने कहा, महाराज, मैं सोचती हूँ इस राजकुमार से अपनी चित्रलेखा का विवाह कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सच रानी, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं आज ही रंजीत सिंह से इस संबंध में बात करता हूँ। मुझे विश्वास है कि रंजीत सिंह कभी इनकार नहीं करेगा। चित्रलेखा को भी रंजीत बहुत पसंद है, कल मुझे उसकी एक सहेली ने बताया था। और जब राजा विक्रम सिंह ने रंजीत सिंह से विवाह की बात की तो मैं इस संबंध में क्या कह सकता हूँ? यह सब तो पिता की इच्छा पर निर्भर करता है। आप उनसे बात कर सकते हैं। उनसे तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन पहले हम तुम्हारी इच्छा जान लेना चाहते हैं। मुझे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। तो ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे पिता के पास अपना दूत भेज देता हूँ। राजा विक्रम सिंह ने एक पत्र में सब कुछ लिखकर राजा रिपुदमन के पास एक दूत भेजा। और जब राजा रिपुदमन ने पत्र को पढ़ा तो, नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता सैनिक, तुम राजा विक्रम सिंह को यह संदेश पहुंचा दो। उधर जब दूत ने लौटकर राजा विक्रम सिंह को राजा रिपुदमन का संदेश सुनाया तो, क्यों नहीं हो सकता? आखिर हम में और राजकुमारी चित्रलेखा में क्या कमी है? हम स्वयं जाकर रिपुदमन से बात करेंगे। समझ नहीं आता, राजा रिपुदमन ने इस रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर दिया? रिपुदमन को हर हालत में यह रिश्ता स्वीकार करना होगा, नहीं तो हम उसका सर्वनाश कर देंगे। हम अपना अपमान सहन नहीं कर सकते। अगले दिन ही बहुत से सैनिकों के साथ राजा विक्रम सिंह ने कौसाम्बी के लिए प्रस्थान किया। जब राजा रिपुदमन को राजा विक्रम सिंह के आने की सूचना मिली तो वह स्वयं महल के द्वार पर स्वागत के लिए आए। विक्रम सिंह, अपने महल में तुम्हारा स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी? कैसी खुशी? तुमने तो विवाह से इनकार करके हमारे तन बदन में आग लगा दी है। महल के कक्ष में पहुंचकर, विक्रम सिंह, तुम मेरे बचपन के मित्र हो, मुझसे अधिक वैभवशाली राजकुमारी चित्रलेखा भी अत्यंत सुंदर है, फिर तुम्हें इस विवाह से इनकार क्यों हो रहा है? ओह विक्रम, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि यह विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यह विवाह अवश्य हो सकता है, तुम जानबूझकर इस संबंध में इनकार कर रहे हो। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य भी दे सकता हूँ। बोलो, क्यों चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? आखिर वह क्या कारण है कि रंजीत और चित्रलेखा का विवाह नहीं हो सकता? रिपुदमन, अगर तुमने कोई कारण नहीं बताया तो तुम्हें यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी मित्रता शत्रुता में बदल जाएगी। तुम्हारा विवाह से इनकार करना मेरा अपमान है और मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। विक्रम सिंह, मैं अपनी मित्रता को शत्रुता में नहीं बदलना चाहता। तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं इस विवाह को स्वीकार कर लेता हूँ। यह हुई ना मित्रता की बात, इस रिश्ते को स्वीकार करके तुमने मेरी झोली को खुशियों से भर दिया। कुछ दिनों बाद बहुत धूमधाम से राजकुमार रंजीत सिंह की बारात बसंतपुर में पहुंची। राजा विक्रम सिंह ने बहुत जोर शोर से बारात का स्वागत किया। चित्रलेखा ने रंजीत सिंह के गले में जयमाला पहनाई और फिर शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन अभी कुछ क्षण ही बीते होंगे कि तभी बीन की स्वर लहरी गूंज उठी और रंजीत सिंह उस स्वर लहरी में झूमने लगा। बीन की स्वर लहरी पर रंजीत को झूमता देख राजा रिपुदमन भयभीत हो उठा। नहीं नहीं, और तभी एक अनहोनी घटना हुई। रंजीत सिंह को इस तरह नाग के रूप में परिवर्तित होकर जाते देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन अगले ही क्षण, रिपुदमन, रंजीत कोई नाग था?
और तुमने जानबूझकर इस रहस्य को हमसे क्यों छिपा कर रखा? तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हाँ, वह नाग था, लेकिन मैंने तुमसे कोई विश्वासघात नहीं किया। मैं तुम्हें पहले ही मना कर रहा था, लेकिन तुम नहीं माने। और फिर उसने रंजीत को सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर चित्रलेखा राजा विक्रम सिंह के पास आई। पिताश्री, रंजीत जहाँ भी गया होगा, मैं उसे अवश्य वापस लेकर आऊँगी। आप मेरी प्रतीक्षा करना। बेटी, रुक जाओ, पता नहीं वह कहाँ होगा, तुम उसे कहाँ ढूँढोगी? लेकिन चित्रलेखा फिर भी वहाँ नहीं रुकी और विवाह मंडप से निकलकर वह सीधी पार्वती के मंदिर में पहुँची। चित्रलेखा पार्वती की बहुत पूजा करती थी और फिर तुरंत उसने पार्वती की पूजा प्रारंभ कर दी। जय गौरी माँ, जय गौरी माँ। भूखी प्यासी कई दिन कई रात चित्रलेखा ने पार्वती की पूजा करती रही। जय 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 गौरी माँ, जय 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 गौरी माँ। उधर कैलाश पर्वत पर शिव के साथ बैठी पार्वती के कानों में जब चित्रलेखा की पुकार सुनाई दी तो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पुजारिन को इतना दुख नहीं हो सकता। क्या हुआ पार्वती, तुम एकाएक इतनी अधीर कैसे हो गई? नाथ, मेरी एक पुजारिन पर बहुत कठिन संकट पड़ा है, मुझे उसका कष्ट दूर करना पड़ेगा, मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। मैं उसके पास जा रही हूँ कैलाशपति। और पार्वती आकाश मार्ग से चित्रलेखा के पास चल दी। कुछ ही पलों में पार्वती उस मंदिर में पहुँच गई। पार्वती को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर चित्रलेखा विस्मित रह गई। देवी, आप आ गई, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। बेटी, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे, तुम्हें तुम्हारा सुहाग अवश्य मिलेगा। बस माँ, मुझे नागलोक का मार्ग दिखा दें, मैं रंजीत को लेने स्वयं जाऊंगी। बेटी, इस मंदिर के पीछे घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच सीढ़ियों के मार्ग द्वारा तुम नागलोक में पहुँच सकती हो। इतना कहकर पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। चित्रलेखा मंदिर से निकलकर झाड़ियों के पास पहुंची। मंदिर के पीछे पेड़ और झाड़ियों के बीच माँ गौरी ने यही रास्ता बताया था। और फिर चित्रलेखा झाड़ियों के बीच बनी सीढ़ियों पर उतरती चली गई। असंख्य सीढ़ियाँ उतरते हुए चित्रलेखा नागलोक में पहुंच गई। चित्रलेखा को द्वार की ओर जाते देख नाग सैनिक तेजी से उसकी ओर लपके। रुक जाओ, कौन हो तुम? तुरंत उत्तर दो, नहीं तो हम तुम्हें डस लेंगे। मैं नागराज वासुकी की पुत्रवधु हूँ, मुझे नागराज के पास ले चलो। दो नाग सैनिक चित्रलेखा को अपने साथ ले चले। कुछ ही देर में नाग सैनिक चित्रलेखा को लेकर नागराज वासुकी के पास पहुँचे। कौन हो तुम? पृथ्वीलोक वासिनी, तुम नागलोक में कैसे आई? महाराज, आपके पुत्र तक्षक से मेरा विवाह हुआ है, मैं अपना सुहाग लेने आई हूँ। सन्यासी के वचन को पूरा करने के लिए मैंने अपना पुत्र को केवल 20 वर्षों के लिए दिया था, 20 वर्ष पूरे हो गए तो वह लौट आया। नागराज ने चित्रलेखा को निराश कर दिया था, लेकिन कुछ सोचकर उसने कहा, आप एक बार मुझे उनके पास ले चलें, अगर उन्होंने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगी। प्रहरी, इसे तक्षक के पास ले जाओ। नाग सैनिकों के साथ चित्रलेखा तक्षक के शयन कक्ष की ओर चल दी। तक्षक के शयन कक्ष का द्वार नागवल्ली ने खोला और फिर चित्रलेखा को देखते ही वह चौंक पड़ी। तुम यहाँ नागलोक में भी आ गई, लेकिन तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, फिर चाहे वो मुझे खाली हाथ लौटा दें। नहीं, तुम उनसे मिल भी नहीं सकती, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम चाहे मुझे जला दो या अपना सारा विष मेरे सीने में उतार दो, यह बात है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय गौरी माँ, मेरी रक्षा करो। और जब नागवल्ली क्रोधित होकर फुसकारी तो चित्ररेखा पर उसके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओह, इस पर तो मेरी विषैली फुंकार का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, अब मुझे किसी शस्त्र का प्रयोग करना होगा। अभी नागवल्ली पास खड़े सैनिक से शस्त्र लेकर चित्रलेखा पर प्रहार करती कि तभी, नागवल्ली, किस पर इतनी क्रोधित हो रही हो? तक्षक द्वार पर पहुंचा।
तुम? चित्रलेखा, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? स्वामी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और तभी पार्वती ने प्रकट होकर कहा, तुम्हें चित्रलेखा के साथ जाना होगा तक्षक, चित्रलेखा को मैंने सुहाग का आशीर्वाद दिया है। गौरी माँ, यह कैसा न्याय है? आप मेरे सुहाग को किसी दूसरे को दे रही हैं। मैं जानती हूँ नागवल्ली, किसी स्त्री के लिए अपने पति को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तक्षक का विवाह चित्रलेखा से भी हुआ है, इसलिए चित्रलेखा भी उसके बिना नहीं रह सकती। नागवल्ली, पृथ्वीलोक के मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है, जबकि नागलोक के नागों की 1000 वर्ष। तक्षक की 20 वर्ष आयु पूरी हो चुकी है, बस उसे 80 वर्ष पृथ्वी पर रहना है। नागवल्ली, पृथ्वीलोक के 80 वर्ष नागलोक के कुछ वर्षों में पूरे हो जाएंगे, फिर तक्षक लौट आएगा। लेकिन गौरी माँ, मैं इसके बिना नागलोक में इतने वर्ष अकेली कैसे रहूँगी? मैं तुम्हें अपने गले में माला बनाकर रखूँगी। यही नहीं, तुम्हारे इस त्याग को पृथ्वीलोक की स्त्रियाँ सदैव याद रखेंगी, प्रतिवर्ष नागपंचमी पर तुम्हारी पूजा किया करेंगी। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गौरी माँ के साथ जा रही हूँ। अगले ही क्षण नागवल्ली नागिन के रूप में आकर पार्वती के गले में लटक गई। तक्षक, तुम चित्रलेखा के साथ पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान करो। अगले ही क्षण तक्षक रंजीत सिंह के रूप में परिवर्तित हुआ और उसने चित्रलेखा के साथ पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उधर अचानक चित्रलेखा और रंजीत सिंह राजा विक्रम सिंह के सामने पहुँचे। चित्रलेखा, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? पिताजी, मैं नागलोक गई थी, माँ गौरी के आशीर्वाद से रंजीत को भी ले आई हूँ। और फिर अगले दिन ही विक्रम सिंह ने रंजीत के साथ चित्रलेखा को विदा किया। और जब राजकुमार रंजीत सिंह चित्रलेखा को लेकर कौसाम्बी में पहुंचा, तो राजा रिपुदमन और रानी स्वर्णलता की खुशी की सीमा न रही। पिताजी, प्रणाम। बेटी, आज तुम्हारे ही कारण हम अपने बेटे रंजीत को देख रहे हैं, तुम धन्य हो। पिताजी, यह तो मेरा कर्तव्य था, अपने सुहाग के लिए तो मैं अपने प्राणों का भी बलिदान कर सकती थी। और फिर एक दिन राजा रिपुदमन ने राजकुमार रंजीत सिंह को राजगद्दी पर बैठा दिया। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।